दो महान देश, एक बेमिसाल दोस्ती। अमेरिका टू आगरा बाया अहमदाबाद। चौबीस फरवरी को यूएनआई की ऐतिहासिक मुलाकात। इंटरनेशनल मेहमान का बेसब्री से इंतजार। ट्रेड डील से इनकार, फिर भी होंगे कई करार। हाउडी मोदी के बाद नमस्ते ट्रंप। आगरा में आगवानी की जोरदार तैयारी। ताजमहल का दीदार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट। जी हां, ताजमहल का दीदार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं जब्बार खान। पिछले एक साल में दुनिया के दो सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गहरी होती दोस्ती पूरी दुनिया देख रही है। 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में जिस तरीके से मोदी का स्वागत हुआ, खुद राष्ट्रपति ट्रंप मोदी के साथ में चल रहे थे, इससे अंदाजा लग गया कि दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। ह्यूस्टन में जिस तरीके से अमेरिका ने हाउडी मोदी कहा था, ठीक उसी तरह 24 फरवरी को अहमदाबाद ट्रंप को नमस्ते ट्रंप कहेगा। दो दिन ट्रंप अपनी पत्नी के साथ में भारत में रहेंगे और इस दौरान वो अहमदाबाद से होते हुए आगरा और फिर दिल्ली आएंगे। भारत में ट्रंप के लिए कई खास तैयारियां की गई हैं, जिससे दो भारत में ट्रंप के दो दिन सबसे यादगार होने वाले हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट वेलकम। जी हां, दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता एक बार फिर से मिलने वाले हैं और इस बार देश है भारत, जब मोदी और ट्रंप की महामुलाकात होगी। भारत को ट्रंप का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप को तो मोदी की मेहमान नवाजी करने का मौका मिला और अब बारी है भारत की। ट्रंप अपनी पत्नी के साथ में भारत में दो दिन रहेंगे और इन दो दिनों में ट्रंप कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ट्रंप का भारत दौरा कैसा रहने वाला है, 24 और 25 फरवरी को ट्रंप भारत में क्या क्या करेंगे, समझिए। दुनिया के दो शक्तिशाली नेताओं की महामुलाकात। अहमदाबाद में मोदी ट्रंप की सीक्रेट बात। दो दिन में तीन शहर जाएंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। आगरा को बार बार याद करेंगे मिस्टर एंड मिसेस ट्रंप। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में शुमार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत में रहेंगे और इस दौरान मिस्टर एंड मिसेस ट्रंप सबसे पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इन दो दिनों के ऐतिहासिक दौरे में अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक ट्रंप की शानदार खातिरदारी होगी, जिसमें 24 फरवरी की शाम आगरा बेहद खास है। आगरा में किस तरह से ट्रंप और उनकी पत्नी का शानदार स्वागत होगा, इसकी एक एक जानकारी आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर जानकारी देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को दोपहर 11:55 पर गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ट्रंप दो दिन के दौरे में अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली में रहेंगे। 25 फरवरी को रात 10 बजे ट्रंप दिल्ली से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरेंगे।
ट्रंप के भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा के लिए काफिला रविवार को ही अमेरिका से अहमदाबाद पहुंच चुका है। चलिए अब आपको ट्रंप का भारत दौरा बताते हैं, उनका शेड्यूल बताते हैं, कब किस वक्त ट्रंप और उनकी पत्नी का क्या प्लान होगा और भारत दौरे में ट्रंप क्या क्या करेंगे। 24 फरवरी अहमदाबाद, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस स्टेडियम में 1,00,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। 24 फरवरी आगरा, इसी दिन शाम को ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया आगरा के लिए उड़ान भरेंगी। यहां दोनों मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करेंगे और तस्वीरें खिंचवाएंगे। इस दौरान दोनों करीब 1 घंटे तक ताजमहल में रहेंगे। 25 फरवरी दिल्ली, ट्रंप और मेलानिया का राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत होगा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करेंगे। दोपहर में कारोबारियों से मुलाकात होगी। शाम को ट्रंप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और फिर रात 10 बजे ट्रंप का विशेष विमान एयरफोर्स वन दिल्ली से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरेगा। तो इस तरह ट्रंप का भारत दौरा रहने वाला है। ट्रंप के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से कई उम्मीदें हैं। अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही कई ऐसे समझौते भी हो सकते हैं जिससे दोनों देश जमीन से लेकर आसमान तक और भी मजबूत होंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे वक्त से बात चल रही है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर इनकार कर दिया हो, लेकिन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, स्पेस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक डील हो सकती है। वहीं ट्रेड डील को लेकर भारत ने भी कहा कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। हालांकि इन सब के बावजूद भारत अमेरिका का व्यापार हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। स्पेस कॉरपोरेशन के मोर्चे पर भारत अमेरिका का लंबा इतिहास रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट और स्पेस के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप लगातार बातचीत कर रहा है। अब इसरो और नासा मिलकर एक सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसे 2022 पर लॉन्च किया जा सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये भारत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और खबरें ये भी हैं कि मोदी ट्रंप के बीच कुछ सीक्रेट बातें होंगी, जिसका असर आने वाले समय में होगा। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो यकीन मानिए 2020 में भारत और अमेरिका का रिश्ता सभी देशों में 21 होगा। आगे हम आपको बताएंगे जब ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया आगरा में होंगे तो किस तरह से भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आगरा में ट्रंप के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासम खास तैयारियां कर रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हां, दोनों देशों के जमीन से लेकर के आसमान तक की मजबूती की कवायद के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद पहुंचेंगे, शाम को अहमदाबाद से आगरा के लिए रवाना होंगे। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के बाद में आगरा में ट्रंप और उनकी पत्नी ताजमहल का दीदार करेंगे। अब ट्रंप आगरा में होंगे तो ट्रंप का शानदार स्वागत हो, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा की खास तैयारी करवा रखी है। ताजमहल और उसके आसपास सब कुछ चकाचक कर दिया गया है। यमुना जी भी स्वच्छ और सुंदर कर दी गई हैं, जिसे देखने के बाद ट्रंप बोलेंगे वाह ताज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के मद्देनजर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक ट्रंप का जोरदार स्वागत होगा, स्वागत ऐसा जिसे डोनाल्ड ट्रंप कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप का आगरा में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। भले ही आगरा में ट्रंप बहुत देर नहीं रुकेंगे, लेकिन जो भी वक्त वो आगरा में बिताएंगे उसे यादगार बनाने की खास तैयारियां हैं। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप
और उनकी पत्नी मेलानिया ताजमहल देखने आगरा आ रहे हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी अहमदाबाद से शाम को आगरा पहुंचेंगे। आगरा में ट्रंप की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए यूपी सरकार हर स्तर पर तैयारी में जुटी है। ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी साफ दिखे, इसके लिए मथुरा में ही गंगा और यमुना का संगम कराया गया है, जिससे आगरा में यमुना के जलस्तर में इजाफा हो सके। आगरा में डोनाल्ड ट्रंप के आगमन से पहले सड़कें, फुटपाथ सब चमकाया जा रहा है। आगरा में बहने वाली यमुना का पानी साफ दिखे, इसके लिए बड़ी कवायद की जा रही है। ट्रंप के आगरा आने के चलते उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने बुलंदशहर से यमुना में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा है। यमुना में गंगा के 500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से ताजमहल के पीछे यमुना के आसपास पर्यावरण की स्थिति में सुधार आएगा। सिंचाई विभाग की कोशिश है कि 24 फरवरी तक यमुना में पानी का स्तर एक जैसा बना रहे, क्योंकि इससे नदी में मौजूद गंदे पानी की बदबू से निजात मिलेगी। ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ लगभग एक घंटे तक ताजमहल को निहारेंगे। इस दौरान यमुना किनारे बने ताज को देखने के साथ साथ यमुना नदी किनारे का भी जायजा ले सकते हैं। यहां से यमुना को निहारते हुए उसकी गंदगी पर नजर न पड़े और यमुना साफ सुथरी सुंदर दिखे, इसके लिए यमुना में गंगा का पानी बुलंदशहर से छोड़ा गया है। ताजनगरी में स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। चप्पे चप्पे को सजाया जा रहा है, इंच इंच की निगरानी रखी जा रही है। इसका मुआयना खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ट्रंप के आगरा दौरे को देखते हुए आगरा पुलिस और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। आगरा में हर वो कोशिश की गई है जिससे ट्रंप का आगरा दौरा यादगार हो सके। मैटपैट ट्रीटमेंट से चमकेगी ताजमहल की कब्र। ताजमहल का दीदार करते वक्त ट्रंप को ताजमहल में एक भी दाग नजर नहीं आएगा, इसके लिए खास ढंग से साफ सफाई शुरू कर दी गई है। शाहजहां और मुमताज की कब्रों की पहली बार मैटपैक ट्रीटमेंट के जरिए सफाई की जा रही है ताकि उस पर एक भी दाग न दिखे। 22 फरवरी तक ताजमहल में मैटपैक और केमिकल ट्रीटमेंट के सभी काम पूरे हो जाएंगे। ट्रंप के आने से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने ट्रंप की सुरक्षा टीम को जानकारी दी है कि उनकी गाड़ी ताजमहल के पास नहीं जा पाएगी। यूपी प्रशासन ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज से कहा है कि ताजमहल के पास जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी कार दी विस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कार की बजाय डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया ट्रंप किसी ई व्हीकल से वहां पर जा पाएंगे। इन वी व्हीकल के बारे में यूएस सीक्रेट सर्विसेज को जानकारी दी गई है और उन्हें जांचा भी जा चुका है। ताजमहल के पास नहीं जाएगी द बीस्ट। यूपी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी ऐतिहासिक स्मारक के 500 मीटर के दायरे में कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रदूषण से स्मारक को नुकसान न पहुंचे। इसी आदेश का हवाला देकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज को गाड़ी न ले जाने की खबर दी है। खास है ट्रंप की द बीस्ट। डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक गाड़ी द बीस्ट कोई आम कार नहीं है। इस कार का नाम आर्म्ड लिमोजीन है, जिसे 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में शामिल किया गया था। इस गाड़ी पर गोली, बम या रॉकेट किसी का भी असर नहीं होता है। इसके अलावा आग का भी इस गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको एक पुरानी जानकारी भी देते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जब नवंबर 2010 में भारत दौरे पर आए थे, तब उन्होंने सुरक्षा वजहों से ताजमहल का दीदार नहीं किया था।
हालांकि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ताज का दीदार करने आ रहे हैं और जिस तरह से तैयारियां की गई है वो ट्रंप के लिए यादगार और शानदार होने वाली है। ट्रंप का भले ही ये पहला भारत दौरा हो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ट्रंप ने भी कहा था कि उन्हें मोदी पसंद है, जिसका गवाह हाउडी मोदी है। अब बारी नमस्ते ट्रंप की है। आगे हम आपको मोदी और ट्रंप की दोस्ती की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि एक वक्त था जब मोदी को अमेरिका जाने के लिए वीजा भी नहीं मिला था और जब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका पहुंचे तो वहां भी मोदी मोदी के नारे लगने लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आधिकारिक तौर पर ट्रंप पहली बार भारत आ रहे हैं और ये मुमकिन हो सका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। जब मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में पहुंचे थे तो हाउडी मोदी कार्यक्रम में मोदी की धूम थी। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मोदी मोदी के नारे लगे। दोनों नेता हाथों में हाथ डाल करके पहुंचे थे। इसके बाद में दोनों की दोस्ती लगातार गहरी होती गई और यही दोस्ती है जिसकी वजह से ट्रंप भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये वो वीडियो है जिसे देखकर दुश्मन देश के सीने पर सांप जरूर लौटा था, जबकि मोदी और ट्रंप के लिए ये पल यादगार लम्हों में से एक है। यूं तो कई बार मोदी और ट्रंप के बीच बाउंडिंग जोरदार दिखी है, लेकिन G7 समिट में इस तरह दोनों का मिलना बहुत कुछ बयां कर गया था। हालांकि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के वक्त ट्रंप के साथ उनकी गहरी दोस्ती देखने को मिली थी। इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद प्रेसिडेंट ट्रंप, द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। दो शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर होना और एक दूसरे के लिए तारीफ करना कोई आम बात नहीं है, खासकर उस वक्त जब सामने वाला सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हो। ट्रंप और मोदी के बीच हालिया मुलाकात सितंबर में हाउडी मोदी समिट के दौरान हुई थी। ये पहली बार था जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारतीय समुदाय की किसी रैली में शामिल हुआ था। 50,000 लोगों के बीच ट्रंप ने कहा था कि मोदी सबसे भरोसेमंद और अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका में 40 लाख भारतीयों पर गर्व है। राष्ट्रपति ट्रंप का इस तरह मोदी और भारत की तरह झुकाव कई मायनों में अहम और खास हो जाता है, क्योंकि यह पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप किस मिजाज के हैं। जब वो अपने पर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते। ऐसे में ट्रंप का भारत में आना पीएम मोदी की दोस्ती का ही नतीजा है। दोनों की दोस्ती कमाल की है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इस उत्साह और उल्लास से न मिले हो। जब दोनों मिले तो भरोसा और बढ़ गया, दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। बात सिर्फ सम्मान की नहीं है, आदर की नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की है। तभी तो जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ रोते हुए अमेरिका के पास पहुंचता है तो हताश और निराश होकर वापस ही लौटता है। मौजूदा वक्त में मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती की ऐसी बयार बह रही है जिसके सामने कोई नहीं है। हाथ में हाथ डाले इनकी दोस्ती, एनर्जी, केमिस्ट्री को दुनिया देख रही है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी में क्या कुछ हुआ था इसे सबने देखा। अब अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप में क्या कुछ होगा यह भी दुनिया आंखें फाड़ कर देखेगी। हाउडी मोदी कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका ने शानदार स्वागत किया है, अब बारी भारत की है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस दौरे में अहमदाबाद में उनका भव्य स्वागत होगा। करीब 1,00,000 लोग राष्ट्रपति ट्रंप का अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में स्वागत करेंगे। पिछले साल ह्यूस्टन में अमेरिका ने कहा था कि हाउडी मोदी, यानी आप कैसे हैं मोदी। अब उसी तर्ज पर अहमदाबाद कहेगा नमस्ते ट्रंप। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, इंडिया में मोस्ट वेलकम। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट पर इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।